फड़ पेंटिंग राजस्थान की प्राचीन लोक शैली है। इस शैली का जन्म मुगल शैली और राजपूत शैली के मिश्रण से हुआ। यह शैली मेरे परिवार में पिछले 700 सालों से चली आ रही है और पिता से पुत्र को विरासत में मिलने वाली यह कला मुझे अपने पिताजी से विरासत में मिली और मैं आज तीसरी पीढ़ी के रूप में आपके सामने हूं। मैंने जब काम करना शुरू किया तब मैंने भी वही पुरानी गाथाएं बाबूजी और देवनारायण की गाथाओं पर काम करना शुरू किया। जब मैं इन कहानियों पर काम करता था तब मुझे लगा कि जब कहानियां ही करनी है तो यही कहानियां क्यों, तो मैंने नई कहानियों पर सोचना शुरू किया। रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, इनका अध्ययन किया और नई कहानियों पर चित्र बनाना शुरू किया। जब ये चित्र बने काफ़ी सक्सेस हुए, काफ़ी लोगों ने सराहा और मुझे लगा कि अब और नई कहानियों पर काम करना चाहिए। मैंने पंचतंत्र की कहानियों पर भी काम किया जो काफ़ी स्कूलों में मेरे बनाए चित्रों की बुक्स पढ़ाई जाती है। इस कला की एक पुरानी परंपरा है, स्टोरी टेलर जो फड़ बांचने वाला बोपा जो होता है वो हमसे फड़ बनवा के लेके जाता है। उस फड़ की साइज होती है 20 फीट। हाथ के बुने हुए मोटे कपड़े पर यह चित्र बनाया जाता है। इसमें पूर्णतया प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जो हम खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। स्टोरी टेलर गांव-गांव जाकर बाबूजी और देवनारायण राजस्थान के लोक देवताओं की गाथा को गाकर सुनाता है। उसके पास एक वाद्य यंत्र होता है जिसको रावण हत्ता कहते हैं। उसके साथ उसकी वाइफ गोपी भी उसका साथ देती है और नाच गाकर संवाद के साथ लोगों का मनोरंजन करती है। यह कथा कई सालों पुरानी है, आज भी गांव में देखी जा सकती है। हमारे परिवार में एक परंपरा और रही है कि आने वाली को सिखाते हैं, जाने वाली को नहीं सिखाते हैं। यानी कि बहू को यह काम हमने सिखाया, बेटी को नहीं सिखाया। इस परंपरा को मैंने तोड़ा और 1990 में चित्रशाला की स्थापना करके काफी बच्चों को सिखाना शुरू किया। अब तक मैंने 3000 से ज्यादा बच्चों को इस पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया है जो दुनिया में सब जगह इसका काम कर रहे हैं। जब मैंने सिखाना शुरू किया, दुनिया में वर्कशॉप कंडक्ट किए सब जगह, तब मुझे NID अहमदाबाद, निफ्ट दिल्ली से भी मुझे निमंत्रण मिला और वहां के स्टूडेंट के साथ मैंने काफी नए प्रयोग किए। किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर, इस कहानी को अपन एक चित्र में समेट सकते हैं, तो मुझे लगा ये करना चाहिए, मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैंने कहा चलो दोनों मिलके करते हैं। धीरे धीरे इस तरह कहानियां सिमटती गई और चित्रों में समा गई। जो फड़ पहले 30 फीट लंबी बनती थी आज 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट में बनने लगी। जैसा कि महानगरों में आजकल फ्लैट कल्चर है, इतने बड़े मकान नहीं होते हैं, लोगों के घरों में लगाने की बड़ी जगह नहीं होती है, तो ये छोटी पेंटिंग है मेरी काफ़ी सक्सेस रही और मेरे पीछे मेरे परिवार को भी इससे काफ़ी सहारा मिला और लोगों को काफ़ी रोजगार के अवसर मिले। इस तरह इस कला से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। मैं बताता हूँ इससे मुझे क्या मिला। कला एक मेडिटेशन की तरह है, ये एक साधना है। कई क्षण ऐसे आते हैं जब हम रात को देर रात तक काम कर रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि कोई एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाती है। जब रात के समय कोई हमारे आसपास नहीं होता, हमारी कूची ब्रश अपने आप पेंटिंग पे चलते रहते हैं। जब हमारी एकाग्रता टूटती है तब पेंटिंग पे हमारा ध्यान जाता है। ये क्या कोई मैजिक था? एक तरह से मानसिक शांति मिलती है। दुनिया जहां मानसिक शांति के लिए इधर उधर भटक रही है, हमें मुझे मेरी कला से ये चीज मिली, इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इस कला पर समय समय पर हमारे सहयोग से कई शोध कार्य भी हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से डॉक्टर जॉन स्मिथ, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जेसे मिलर एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से कई पुस्तकों का प्रकाशन हुआ एवं कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनी। उससे भी दुनिया भर के लोगों को इसको जानने का अवसर मिला। बोपे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, बोपे लोग गांव-गांव जाकर इसकी गाथा गाकर सुनाते हैं।
बाबूजी और देवनारायण की, तो उनकी लोकल लैंग्वेज होने की वजह से वो कई लोगों को समझ में नहीं आती है। तो मुझे कार्टून फिल्मों से एक आइडिया आया कि अपने फट चित्रों को बोलता हुआ चलता हुआ भी बनाया जा सकता है। तो मैंने ये आइडिया एक रिसर्च फेलर डॉक्टर जेसी मिलर के साथ शेयर किया, तो उसको अच्छा लगा, तो उसने एक ही बात कही, क्या तुम कर पाओगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो उस दौरान मुझे ढाई महीने उसके साथ अमेरिका रहने का अवसर मिला और मैंने कंप्यूटर एनिमेशन में कई चित्र बनाए। उसको उन्होंने स्पेशल साउंड इफेक्ट, डबिंग और कई इफेक्ट के साथ फट चित्रों को बोलते हुए चलते हुए एक पूरी कहानी को कार्टून फिल्म की तरह बना डाला। कुछ समय बाद दुनिया के सभी देशों की भाषाओं में उसको सुना जा सकेगा और देखा जा सकेगा। जब हम लोग किसी की रिक्वेस्ट पर कोई पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग बनाने में काफी समय लगता है, कई दिन कई रात भी लग जाते हैं, उस समय हमारा एक लाइफ का हिस्सा उस पेंटिंग के साथ जुड़ जाता है। जब पेंटिंग कंप्लीट होती है उस समय, उस दौरान हम कई चीजों को मिस करते हैं, कई फ्रेंड्स को, कई प्रोग्राम्स को मिस करते हैं, क्योंकि वो पेंटिंग हमें टाइम पे पूरी करनी होती है। जब कदरदान हमसे वो पेंटिंग लेके जाता है तब हमारी लाइफ का एक हिस्सा भी उसके साथ चला जाता है। वो खाली एक पेंटिंग ही नहीं लेके जा रहा है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा भी उसके जाता है। इसीलिए दोस्तों, कला अमूल्य होती है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। धन्यवाद।